पड़वा बोल कैसे तुरब कैसे तुरब मोहमा नयन राउर मत की चलावे लाल नयन राउर मत की चलावे जैसे नयन राउर मत की चलावे जैसे चंचल खंजन बुल बुल धनुषधर Thank you.
तो जब राम और सीता जी का विवाह हुआ था जनकपुर में, वही महत्व यहाँ भी है, उतना ही महत्व है इसी विवाह का भी। और ये महोत्सव 1962 से बाबा श्री खाकी बाबा जी महाराज के द्वारा स्थापित हुआ। उनके बाद जब उनका शरीर नहीं रहा तब फिर उनके शिष्य हुए पूज्य मामा जी महाराज, उनके द्वारा चलता रहा और दोनों महापुरुष के कृपा से अभी चल रहा है। बताए ना 1962 से, हाँ 53। तो सुनने में आता है बक्सर में ही होता है महोत्सव। हाँ बक्सर में होता है महोत्सव। तो हाँ बक्सर में हो रहा है, ऐसा तो महोत्सव कहीं और दिखा नहीं जाता है। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी धरातल, इस धरातल में ऐसा उत्सव नहीं हो रहा है कहीं भी जैसा बक्सर में हो रहा है। सब तो बाहर से आए हैं, देख रहे हैं परात में, देखिए सारे संत वहाँ जुटेंगे। आज कॉलेज पर सभी साधु जुटेंगे, वहाँ बाहर से जितने आए हुए हैं बारात में सब रहेंगे। ये कितने चलता है? बस 9 दिन का है। हाँ हाँ बारात निकला है, कल विवाह होगा। और एक चीज मैं ये बता देता हूँ, ये उत्सव जो हो रहा है ये कोई मनोरंजन का वस्तु नहीं है। पूज्य खाकी बाबा महाराज जो महाराज जी के गुरुदेव हुए, उनका पुण्यतिथि है, उनका पुण्यतिथि फुलवारी के दिन कल बीता है ना, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है। आप बैठोगे कभी तब उनका भाव बताएंगे, ये तो टीवी पर भाव नहीं हो पाता है। बड़ा विस्तार से उनका व्यवस्था है, बक्सर में नहीं, हम बता दिए कि बात धरातल में, जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक ऐसा सीताराम विवाह नहीं मनाया जाता है, ऐसा बाबा का पुण्यतिथि नहीं मनाया जाता है। अगर कोई मनावे तो ढोंग करता है वो। हाँ हाँ कल विवाह होगा। Thank you.
खूब आनंद आ रहा है। हमारे ठाकुर जी का बरात निकल रहा है। हमारे राम जी हैं, भरत जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और क्या बोलते हैं इंद्र जी हैं, सब जितना देवता हैं, शंकर जी हैं और बरसों से महाराज जी के कृपा पात्र हैं, यहाँ से जुड़े हैं। हर साल जो है विवाह इस मोड़ से निकल करके हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उधर घूमते हुए मठिया मोड़ होते हुए आपका गंगा किनारे से चरित्र वन जाएगी। चरित्र वन विद्यालय में वहाँ ठहरेंगे, नगर विश्राम होगा, वहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, फिर खूब आनंद आता है, नाच गान होता है। सारे ब्रजवासी यहाँ, जनकपुर से भी, जनकपुर में श्री सीताराम विवाह होता है लेकिन वहाँ के माताएं सब यहाँ आते हैं गाने के लिए, भजन गाने के लिए, आनंद लेने के लिए। आनी कि पूरे भारतवर्ष में सबसे टॉप होता बक्सर है परम पूज्य मामा जी कृपा से। जी आज बारात निकलेगी, बारात पूरा बाजार घूम जाएगी, जगह जगह पर कलश सब सराय आरती दिखाएंगे, फिर आज बारात विश्राम करेंगी, कल विवाह होगा। कितने दिन चलता है जी? नौ दिन का कार्यक्रम। नहीं कल नहीं, परसों कल कलेवा विवाह होगा, परसों कलेव के बाद विश्राम होगा। मेरा नाम श्याम सुंदर शरण जी, नालंदा जिला। चलता है यहाँ पर नौ दिन महा महोत्सव चलता है। आज बरात निकला हुआ था, राम आज राम जी का बरात निकला हुआ था। कल विवाह होगा, परसों कलेवा होगा। कैसा लगता है आप लोगों को यहाँ पे आते हो? बहुत आनंद लगता है यहाँ की खाती, यहाँ का दृश्य नहीं होता है, रसीला, बड़ी आनंद है। क्या बक्सर के अलावा भी कहीं दूसरी जगह होता है क्या ऐसा? ऐसा महामहोत्सव कहीं नहीं होता। आप लोग इसमें सहभागिता लेते हैं क्या? अच्छा लगता है सहभागिता लेते हैं आप लोग, आते हैं यहाँ पर? जी। कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक से एक महापुरुषों का, संतों का दर्शन होता है, भक्ति की दर्शन जो है, सत्संग रामीला रसीला जो है, बड़ी आनंद यहाँ छा रहा था। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से आए हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबा अपना? क्या नाम पड़ेगा अपना? परमेश्वर दास जी रामायण। धन्यवाद। पहला दिन शिव यात्रा मनाया जाता है, दिन में रसीला होती है और हमारे वृंदावन साहिब है राघवेंद्र सरकार जी, उनके माध्यम से 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक उनका प्रवचन चलता है। उसके बाद रात्रि में रामलीला होता है। आज बड़ा शोभा यात्रा है। आज है 7वां दिन, कल 8वां दिन है, कल होगा विवाह, सीताराम विवाह महोत्सव होगा और परसों कलेवा, उसके बाद समापन हो जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा आनंद पूरे हिंदुस्तान में हमें नहीं मिलेगा। बक्सर होता है, बक्सर विश्वामित्र की नगरी है,
यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और लोग यहाँ आनंदित है, आनंद मिलता है बहुत बढ़िया से। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार केसरी। हाँ नहीं भैया, बक्सर।